आप जानते हैं कि तीन रेखा खंडों से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस समय हम जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नंबर दो, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलिस ट्रायंगल। नंबर तीन, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, न्यून कोण त्रिभुज, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। नंबर दो, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर तीन, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने को कोण बराबर होते हैं, तो क्योंकि इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है और ये तीन कोण हैं और तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो अगर 3 से इसको डिवाइड कर दें तो आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितने अंश होता है? 60 अंश होता है। ओके, 60 अंश। इसके बाद हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात आइसोसेलिस ट्रायंगल। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके, तो सम माने होता बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। समद्विबाहु यानी समान दो भुजाएं, अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं जैसे यहाँ पर समान हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होते हैं। यह भुजा जो होती है, यह भुजा समद्विबाहु त्रिभुज की आधार भुजा होती है और यह जो है इसका आधार कोण होते हैं। अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण अगर पता है, ये दोनों कोण प्राप्त किए जा सकते हैं। सपोज दैट अगर इस कोण का मान 50 डिग्री है तो क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इन दोनों कोणों का मान 65 65 यानी 65 65 डिग्री का होगा। तो ये 65 65 130 और 50 180, तो त्रिभुज के इन तीनों कोणों का सम जो 180 अंश हो गया। इसके बाद हम देखेंगे विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अर्थात स्केलिन ट्रायंगल। जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज होता है और विषमबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी अलग अलग माप के होते हैं, क्योंकि तीनों भुजाएं असमान हैं तो तीनों भुजाओं के सामने के कोण भी असमान होंगे। तो आप समझ गए कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले अक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों कोणों की माप 90 अंश से कम हो या अक्यूट एंगल हो उसे अक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का माप 90 अंश से कम हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इस प्रकार अभी पीछे हमने देखे कि समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज भी होता है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 60 अंश के वो न्यून कोण हैं, इसलिए प्रत्येक समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज भी होता है। ओके, इसके बाद है आपका राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो वह त्रिभुज जो है राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण का माप ऑब्ट्यूज एंगल हो, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, ऐसे त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम त्रिभुज के शीर्ष लंब यानी ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल और त्रिभुज की माध्यिका अर्थात मीडियन ऑफ ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।